हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश। आप देख रहे हैं टेक गुरु मुकेश चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ TSC TTP 244 प्रो बारकोड लेबल प्रिंटर, इसके ड्राइवर को कैसे हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे और कैसे इस प्रिंटर को हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि TSC TTP 244 प्रो बारकोड लेबल प्रिंटर का ड्राइवर कब को कैसे इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर लैपटॉप में और कैसे इस प्रिंटर को आपको यूज़ करना है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ इसके फंक्शन जो है मैं आपको वो दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पॉज बटन दिया हुआ है और इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फीड का बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पे LED की बात करें तो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे पावर की LED दी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइन ऑन की LED दी हुई है और यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एरर की LED दी हुई है। इसके बाद मैं आपको इस प्रिंटर का बैक साइड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पावर का स्विच मिल जाएगा। एक यहाँ पे पावर का जो इनपुट एडेप्टर का इनपुट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे VGA का पोर्ट मिल जाएगा और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक USB इनपुट पोर्ट। और दोस्तों, आपके प्रिंटर के साथ में इस तरह की केबल आई होगी, USB मेल केबल, जिसमें जो है आपको इस तरह के दो पोर्ट दिखाई देंगे। दोस्तों, फर्स्ट वाला पोर्ट जो है हमारा जो ये वाला पोर्ट है, ये लग जाएगा हमारे इस प्रिंटर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका जगह बना हुआ है ये लग जाएगा इसके अंदर। और दोस्तों, जो पावर का जो पोर्ट है वो यहाँ पे लग जाएगा इस वाले में, जो हमारे एडेप्टर से पावर की जो केबल आएगी वो लग जाएगी हमारे इस वाले पावर इनपुट में। तो इन दोनों पोर्ट को जो है यहाँ पर लगा देना है। ये लगाने के बाद अब बात आती है इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करने की। तो ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे इसके ड्राइवर को इंस्टॉल। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। दोस्तों, अपने कंप्यूटर में लेबल प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो है इसका CD जो कि आपके लेबल प्रिंटर के साथ आती है, और दोस्तों दूसरा है वो है ऑनलाइन। हम ऑनलाइन जो है ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कंप्यूटर में CD ड्राइवर का ऑप्शन नहीं है तो भी आप ऑनलाइन जो है इस ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में विंडो 10 है तो दोस्तों, विंडो 10 में अभी जो न्यू अपडेट्स वाले जितने भी विंडोज़ 10 आए हैं, उन सभी में क्या है कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो उन सभी विंडोज़ में अपडेट है कि आपको अलग से अपने प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे ही अपने लेबल प्रिंटर को ऑन करके उसका केबल अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंसर्ट कर देते हो, आपका ड्राइवर जो है उसी समय वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। हमें उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हम वो भी करके देखेंगे कि क्या हमारे कंप्यूटर में ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है। अगर नहीं होगा तो मैं आप इसमें दूसरा तरीका यूज़ करूँगा जो कि है ऑनलाइन का, क्योंकि मेरे इस लैपटॉप के अंदर जो है CD लगाने का ऑप्शन नहीं है। तो मैं इसमें दूसरा ऑप्शन यूज़ करूँगा ड्राइवर को डाउनलोड करके, और फिर मैं आपको उसको इंस्टॉल करके बताऊँगा। या फिर अगर ये विंडो 10 ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, तो इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसकी पावर केबल लगा के और USB केबल लगा के हम इसको प्रिंटर को ऑन कर देंगे। तो मैं अभी प्रिंटर को ऑन कर देता हूँ। तो मैंने अभी प्रिंटर जो है ऑन कर दिया है, और प्रिंटर ऑन करने के बाद अभी हमें केबल इसके अंदर नहीं लगानी है। पहले मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसके बाद हमें जो है हमारा एक कंट्रोल पैनल ओपन करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल पैनल, इसको हमें यहाँ से ओपन कर लेनी है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे हार्डवेयर एंड साउंड में, तो इसके नीचे आपको मिल जाएगी व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके जितने भी प्रिंटर के ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं वो सारे आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसके केबल को हम यहाँ पे लगा देंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो विंडो 10 है वो कंपेटेबल है इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए या फिर नहीं। तो चलिए, मैं इसका केबल अब यहाँ पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसकी केबल जो है अब यहाँ पे लगा दी है।
देखिए साउंड आ गया और इसका जो कंप्यूटर का केबल है वो यहाँ पे रीड हो चुका है। अब देखते हैं इसका ड्राइवर जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। आपको यहाँ पे इसको लगाने के बाद करीब करीब 15-20 सेकेंड आपको यहाँ पे इसको वेट कर लेना है। आप रिफ्रेश करके देखते रहिए, 15-20 सेकेंड तक अगर इसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हमारा इसका जो दूसरा मेथड है वो यूज़ करेंगे, ऑनलाइन ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि हमारे पास सीडी का राइटर नहीं है इसीलिए हम ड्राइवर ऑनलाइन ही डाउनलोड करेंगे और फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों अभी 20 सेकेंड से ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी तक हमारा जो ड्राइवर ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो मतलब कि हमारा जो ये विंडो 10 है वो कंपेटेबल नहीं है ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके ड्राइवर को ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके फिर इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। जिस वेबसाइट से हमें इसका ड्राइवर डाउनलोड करना है इसका लिंक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं इसको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस लिंक से TSC के सभी प्रिंटर्स का ड्राइवर आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं जस्ट यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम गूगल क्रोम में जाएंगे, ये रहा मेरा गूगल क्रोम। यहाँ से मैं एक न्यू टैब ले लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दिया और सीधा इंटर बटन को यहाँ से हम प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर करते हैं आपके सामने यहाँ पे किस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, इसको आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस राइट वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका ड्राइवर जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इन केस अगर आपका ड्राइवर यहाँ से नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेना है नीचे की तरफ, और स्क्रॉल करके आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक डाउनलोड का आइकन मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसको जो है आपको क्लिक कर देना है। 53 MB का ये ड्राइवर है, ईजिली डाउनलोड हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए मेरे सामने पॉपअप आ चुका है, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करीब करीब 2 मिनट का टाइमिंग ये मांग रहा है, तो थोड़ा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक मैं इस वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ड्राइवर जो है अब डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से ओपन फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा ड्राइवर जो है अब यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे TSC 2021.2। दोस्तों इसमें CD से इंस्टॉल करने में और ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस होती है। CD में आपको पुराने वर्जन का ड्राइवर मिलता है और अगर आप ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो तो इसमें जो है आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है। तो इसके ऊपर अब हमें डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपके सामने किस तरह का एक न्यू जो है विंडो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से इस आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, आपको यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इन सभी स्टेप्स को जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ जो है समझ में आएगा और आप इजीली जो है इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो कहीं पर स्किप किया, हो सकता है आप कोई स्टेप देखना मिस कर जाए यहाँ पे और कुछ गलत ड्राइवर जो है इंस्टॉल कर लें। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी इस ड्राइवर को आप रन करेंगे तो रन करने से पहले आपका प्रिंटर ऑन होना चाहिए और उसकी जो USB केबल है वो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में लगी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है और हमारा जो प्रिंटर है वो भी ऑन है। तो सब कुछ ओके, अब हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद नीचे वाला जो इंस्ट्रक्शन बॉक्स है इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। बेसिकली इसको आप क्लिक करके फिनिश करोगे तो आपके सामने इसका जो इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन है वो आ जाएगा। तो हमारे को ये नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ ऊपर वाला चाहिए। इसके बाद यहाँ से फिनिश कर देंगे। जैसे फिनिश करते हैं आप यहाँ पे नीचे देखिए आपको यहाँ पे एक पॉपअप मिल जाता है, इसको इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो आपके सामने किस तरह का न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ से इसको यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको इंस्टॉल प्रिंटर ड्राइवर्स और नीचे आपको आ जाएगा रिमूव प्रिंटर ड्राइवर्स।
तो हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल प्रिंटर ड्राइवर्स के ऊपर रहता है, आपको इसी पे रहने देना है, कुछ छेड़ाखानी नहीं करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से इस पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका प्रिंटर ऑन है, USB केबल लगी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आपके प्रिंटर को और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे ही आपको ये प्रिंटर डिटेक्ट कर ले, उसके बाद आपको यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यूज़ दिस प्रिंटर एज द डिफ़ॉल्ट प्रिंटर। अगर आप इसी प्रिंटर को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर सकते हैं या फिर आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से आपको फिर से इसको फिनिश कर देनी है। जैसे आप फिनिश करते हैं, आपका जो TSC का ड्राइवर है वो आपके कंप्यूटर में यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ड्राइवर जो है अब इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद वापस से हम चलेंगे हमारे कंट्रोल पैनल में यहाँ पे। तो ये देखिए, अब हमारा जो ड्राइवर ये है TSC TTP 244 Pro, वो यहाँ पे अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से हम एक टेस्ट प्रिंट लेकर देख लेंगे कि ये ड्राइवर जो है हमारे प्रिंटर के साथ सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ से हम इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इस फोर्थ ऑप्शन पे आ जाएंगे, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे। इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे। जनरल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से प्रिंटर टेस्ट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारे प्रिंटर ने जो है इसका कमांड ले लिया है और हमारा ड्राइवर जो है अब सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है हमारे इस कंप्यूटर में। और दोस्तों TSC का ड्राइवर इंस्टॉल करने के साथ साथ में TSC का बारटेंडर सॉफ्टवेयर आता है, उसको भी आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है आपके कंप्यूटर में। क्योंकि जब तक उसको आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप कोई भी कस्टमाइज डाटा जो है बना नहीं पाएंगे और उसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो बारटेंडर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। उन सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी और इस वीडियो के लास्ट में आपको उन सभी वीडियोस का थंबनेल मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके आप बारटेंडर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब कुछ जो है समझ गए होंगे जो भी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।